तसादुम हादसे में दो अफराद जान बहक, चार जख्मी। वाकया तेज रफ्तारी की वजह से पेश आया। जरा के मुताबिक अमरीकी सिफारतखाने की सफेद रंग की गाड़ी ने इशारा तोड़ा। पुलिस ने सिफारतखाने की गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में इख्तलाफात का मामला। आतिफ खान, शहराम तरकई और शकील अहमद खैबर पख्तूनख्वा काबीना से फारिग। आतिफ और खान खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर वजीर सकाफत और सियाहत, शहराम तरकई खैबर पख्तूनख्वा के वजीर सेहत, शकील अहमद वजीर रेवेन्यू स्टेट थे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने तीनों सूबाई वज़रा को डी नोटिफाई किया। खैबर पख्तूनख्वा काबीना से तीन वज़रा को फारिग किया गया है। वज़ीर इत्तला खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफ सई की तस्दीक। कहा, फारिग किए गए वज़रा में एक वजीर वजारत आला के उम्मीदवार भी थे। ग्रुपबंदी में पार्टी खामोश रहती तो मसाइल पैदा होते हैं। कामयाब जवान प्रोग्राम एक कदम और आगे। वफाकी हुकूमत का सिंध में भी कर्ज की फौरी अदायगी का फैसला। इमरान खान का एक रोजा दौरे पर कल कराची जाने का प्लान। नौजवानों में रकम के चक तकसीम करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब कहीं नहीं जा रहे। हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। इत्यादि जमातें मौजूदा हुकूमत के साथ खड़ी हैं। कौम को शरीफों, जरदारियों और उनके एजेंटों से खतरा है। मुल्क में अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। वज़ीर रेलवे शेख रशीद की गुफ्तगू।